फिर मैं एक बार आप सभी के सामने एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। तो आज मैं आप सभी के सामने गुजरात की फेमस स्वीट डिश के साथ आई हूँ, जिसे महाराष्ट्र में भी बहुत अधिक पसंद किया जाता है, वो है बासुंदी। तो आज मैं आप सभी के सामने शरीफे की बासुंदी बनाने वाली हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए मैंने एक नई डिश ट्राई करी है और इस डिश का नाम है शरीफे की बासुंदी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, 1 कप मैंने शरीफे का पल्प लिया है, 1/2 कप फ्रेश क्रीम ली है, 8 से 10 धागे केसर के लिए हैं जिन्हें मैंने 2 टेबल स्पून दूध में भिगो दिया था, मैंने 1 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर लिया है, मैंने कुछ काजू और कुछ बादाम लिए हैं जिन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, कुछ चिरौंजी ली है और कुछ मैंने किशमिश ली है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई रख ली है, गैस ऑन कर दूंगी और मैंने 1.5 लीटर दूध लिया था उसे डालूंगी और तेज आंच में उबलने देंगे। एक बार दूध को लगातार चलाते रहेंगे कि जिससे नीचे जो है तली पे दूध चिपक ना जाए। दूध अब 1 कप के करीब कम हो गया है, थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं इस समय ये मैंने केसर दूध में भिगोया था वो डालूंगी, जिससे हमारी बासुंदी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। ये एक तरीके की खीर ही होती है। तो अभी नवरात्रि आने वाली है तो व्रत में इस खीर को बनाइए और ये बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए हमारी बासुंदी का कलर बहुत सुंदर आ रहा है। तो अब मैं इसमें ये मलाई डालू, मैंने ये 1/2 कप के करीब मलाई रखी है, फ्रेश क्रीम है, मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी और लगातार चलाऊंगी। इसमें मैं छोटी इलायची डाल दूंगी, इसका पाउडर मैंने पीस के रखा है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालूंगी, ये मैंने काजू बादाम किशमिश और चिरौंजी ली है, आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और लगातार चलाती रहेंगे हम। अब मैं इसमें ये चीनी डाल रही हूँ, ये 1/4 कप है चीनी। क्योंकि मैं ये शरीफे की बासुंदी बना रही हूँ, शरीफा बहुत मीठा होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए पहले चीनी कम ही डालिएगा। और एक बार सीताफल या शरीफा डालने के बाद एक बार चेक करिएगा, फिर चीनी इसमें ऐड करिएगा। तो चलिए मैं इसमें ये मैंने शरीफा के बीज निकाल करके इसका पल्प इकट्ठा किया है तो वो मैं इसमें डालती हूँ। ये मैंने पीसा नहीं है, ये पल्प ही डालेंगे इसमें, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये बासुंदी, आप एक बार इसे जरूर बनाइए। इसे लगातार चलाते रहेंगे, 4 से 5 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे। शरीफे की बासुंदी हमारी बन गई है और ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, इसकी बहुत अच्छी गाढ़ी हो गई है, जबकि मैंने इसे गाढ़ा करने के लिए इसमें चावल या कॉर्नफ्लोर या कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ मैंने क्रीम ली थी और फुल क्रीम मिल्क लिया था, उसी से ही बहुत अच्छा गाढ़ा बना गया है। तो चलिए सर्व करते हैं, गैस बंद कर दूंगी मैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा केसर डाल लेते हैं। और अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूंगी। शरीफे की बासुंदी हमारी बन गई है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो
इस नवरात्रि इसे जरूर बनाइए और खाके मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको तुरंत दिखे। थैंक यू।